बिजली विभाग की लापरवाही से ग्रामीण अंधेरे में रहने को मजबूर। जी हाँ, आपको बता दें कि यह मामला प्रकाश में आया है कि मेजा थाना अंतर्गत ग्राम सभा कुर्की कला में सौभाग्य योजना के तहत वहां के जेई त्रिलोकीनाथ गौड़ व ठेकेदार के माध्यम से 6 माह पूर्व 25 KVA का ट्रांसफार्मर लगाया गया था और ग्रामीणों के घरों में बिजली का कनेक्शन दिया गया था। सबके घर मीटर भी लगा था, लेकिन 1 महीने चलने के बाद ट्रांसफार्मर जल गया। 5 माह से ट्रांसफार्मर जला हुआ है। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत कई बार जेई और ऊपर के अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हुई। वहीं पर ग्रामीणों का कहना है कि जेई त्रिलोकीनाथ गौड़ का मनोज जायसवाल द्वारा 14,000 रुपए दिया गया, लेकिन ट्रांसफार्मर नहीं बदला गया। एक कहावत है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, बाद में यही आकर लड़ाई झगड़ा करते हैं और ग्रामीणों को माँ बहन की गालियाँ भी देते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण सपा नेता मुरारी लाल यादव जी हैं, जिनके ऊपर झूठा SC ST का केस लगा दिया है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि ग्रामीण कितने परेशान हो चुके हैं और अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। अब देखना यह है कि यहाँ के शासन प्रशासन व बिजली विभाग के अधिकारी इस पर क्या कार्रवाई करते हैं, या सभी अधिकारी चुप्पी साधे हुए सोए रहते हैं। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए मेजर से प्रवीण पटेल की खास रिपोर्ट। ये बताइए, आपकी क्या समस्या है, यहाँ क्यों इकट्ठा हुई हैं आप लोग? लाइन नहीं, ट्रांसफार्मर जल गया 4 महीना से और लाइन नहीं आवता। इसकी शिकायत आपने किया कहीं? मटिक तेल भी नहीं देते हैं कोटेदार। शिकायत आपने इसका किया कि ट्रांसफार्मर चल गया है? की है तो किससे किया गया? अरे जे वही आवत रहे, सबसे कहत रहे अच्छा पैसा उलई गया है, जोन बाटे ट्रांसफार्मर बदे ट्रांसफार्मर नहीं देते हैं, कहत डाटे थे उल्टा उल्टा सीधा गाली दे दी। जेई साहब कौन है? जेई साहब त्रिलोकीनाथ गौड़। त्रिलोकीनाथ गौड़ जी हैं? अच्छा, कहने पर गाली देते हैं? अच्छा, आपका नाम? यहाँ का पता क्या है? कौन सा गांव है? हाँ बताइए, क्या समस्या है महोदय? समस्या है, 3 महीने 4 महीने से लाइट नहीं है। शिकायत आपने कहीं किया? शिकायत हाँ किए थे। कहाँ किए थे? तहसील में। तहसील में? हाँ। SDM के यहाँ? SDM के। तो क्या हुआ अभी तक, ट्रांसफार्मर नहीं बदला गया? नहीं, कुछ नहीं बदला गया। क्यों नहीं बदला गया? अब साहब अभी SDM जाने का, इलाहाबाद तक आदमी भेजे थे हम लोग यहाँ से। जेई से आपने शिकायत किया? हाँ शिकायत किया था। तो क्या जेई साहब ने क्या कहा? जेई साहब कुछ उत्तर नहीं देते हैं। वही कब यहाँ आदमी इकट्ठा होंगे तो चल देंगे, तो आदमी उनसे बोलेगा क्या? अच्छा, हाँ इधर आइए, हाँ बताइए, हाँ बोलिए बोलिए। हाँ ये ट्रांसफार्मर सौभाग्य योजना से लगा हुआ है हरिजन कल्याण में, तो आप लोग अंधेरे में रह रहे हैं 4 महीने से। बोलते हैं सरकारी नहीं है, प्राइवेट है, अब ठेकेदार जानेगा इसको। अच्छा ठेकेदार जानेगा? बोलते हैं सरकारी नहीं है, ठेकेदार इसका मालिक है, वही सर। बताइए भैया क्या समस्या है? ग्राम सभा के मैं ओम प्रकाश बिंद बोल रहा हूँ। ये हमारे मोहल्ले हमारे समाज की बात है कि यहाँ 3-4 महीने से हरिजन बस्ती एवं बिंद बस्ती तालाब पे और हरिजन और गौड़ बस्ती बिस्कोरमा बस्ती, ये 4-5 बस्तियाँ मिला के कम से कम लगभग 250-300 घर हैं जिन्हें इन लोगों को 3-4 महीने से बिजली की समस्या है। ना तो कोटेदार यहाँ जो है मिट्टी का तेल वितरण करते हैं और ना ही लोगों समस्या जो है समस्या का समाधान हो पा रहा है। जे जो भी है त्रिलोकीनाथ गौड़ जी हैं वो समस्या का समाधान बोल देते हैं। हमारे यहाँ कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, आप लोगों का कोई रिकॉर्ड सुबह क्या कोई रिकॉर्ड ही नहीं है कि आप जाके जो है किसी ठेकेदार से संपर्क करो, बताइए लोग। अच्छा, बिजली विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं है? ये लोग वही बोले, इसकी शिकायत आपने उप जिला, कोई जिम्मेदारी नहीं है, ये ठेकेदार समझे। इसकी शिकायत आपने उप जिलाधिकारी या जिलाधिकारी से हर लोगों के पास गई, लेकिन क्योंकि बस्ती है ना, छोटे लोगों की बस्ती, यही समझते छोटे लोग क्या करेंगे, छोटे लोग हैं, इन लोगों की भावनाओं को कौन समझेगा? सरकार तक बात पहुंच नहीं पा रही है, सरकार कर्मचारी तक कर्मचारियों तक सीमित रह जा रही है। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि मैं एक समाज सेवक हूँ, इन लोगों की समस्याओं का समाधान करें आप लोग। धन्यवाद। आपका नाम? ओम प्रकाश बिंद। कौन सा गांव है? ये कुर्की कला का मैं निवासी हूँ। हमारा नाम हरिशंकर जैसल है। हरिशंकर जैसल, यहाँ कहाँ के रहने वाले आप? यही कुर्की कला के रहने वाले हैं। अच्छा, यही कुर्की कला, जो ये लाइट जो दिख रहा है, समस्या जो दिख रही है, तो इससे आप भी परेशान हो रहे हैं? हाँ, इससे बहुत परेशान थे। ये यहाँ तक जो लगा हुआ है, इसको किसने लगवाया?
ये मुरारी भाई ने दौड़ धूप कर हम लोगों को लाइट दिया, नहीं तो यहाँ लाइट ही नहीं था। ये कौन है मुरारी भाई, कौन है? मुरारी यादव है, मिसीपुर के, हमारे गांव सभा के नेता है। नेता नेता है, नेता है। नेताजी ने इतना अच्छा काम किया, इतना अच्छा काम किया है, इन्हीं के दुआ से यहाँ बिजली आई है, नहीं तो यहाँ कुछ नहीं था। तो कौन है मुरारी, यहाँ क्या है कोई यहाँ पर? हाँ मुरारी यहाँ के खड़े सामने खड़े हुए हैं। आप है मुरारी भाई? जी जी मैं हूँ मुरारी। काफी तारीफ कर रहे हैं ग्रामीण आपका। ऐसा है, देखिए यहाँ जब ये लाइट आई थी यहाँ राजनीति बहुत हुआ था। ये ट्रांसफार्मर यहाँ दो तीन आया था, दो थे 16 के वीए का आया था और एक 25 के वीए का आया था। तो 25 के वीए वाला जो लगा है ये यहाँ लग गया, 16 के वीए का वहाँ आया था, एक वहाँ आया था। इसमें राजनीतिक तौर से 16 के वीए का नहीं लगाया गया, ये 25 के वीए का लगा है। ये लोड नहीं थाम रहा है, इतना इतना लोडिंग है यहाँ कि आए दिन ट्रांसफार्मर जला रहता है। कितना लोड होगा यहाँ पर, कितने लोग? अरे 250 बस्ती है यहाँ। पूरा कनेक्शन है सर, कनेक्शन है, कनेक्शन है। जब आते हैं, सुनिए, जब आते हैं जय साहब यहाँ तो गाली फक्कर देते हैं। अगर कोई बोलता है तो एक लोग नहीं आते हैं, 20-25 लोग आते हैं यहाँ, 20-25 लोग आते हैं। कोई अगर यहाँ बोलता है तो बोलते हैं साले SC ST लगवा देंगे हमारे ऊपर। अगर हमारे गांव में गए थे, मिसिरपुर गांव में, वहाँ गए थे, एक स्वर्णकार है हमारे यहाँ, भगवान दास का लड़का, विष्णु नाम है उसका, उसका तार काटा गया था। एक महीना सौभाग्य योजना का कनेक्शन हुआ था उसका, एक महीने नहीं बीता था, उसको भेज दिए थे, काट दिए थे। मैं जय साहब से बात किया, आए पप्पू लाल मैन जोड़े, हाँ कोई ऐसा आया गलती किया, हमारे विभाग का नहीं था, पैसा वैसा उससे मांग रहे थे। उसके बाद जय साहब आए तो वहाँ किसी का फोन, मीटर गाड़ने के लिए आए थे, तो मीटर गाड़ रहे थे, किसी का फोन आ गया, किसी रिलेशन में आ गया, वो हटा दिए, कहे इसको हटा दीजिए, यहाँ मीटर नहीं लगेगा, उनके यहाँ नहीं लगा। और उसके बाद एक जगह और लगा था, जब अंदर लगा था तो बाहर बोले किसको बाहर क्यों नहीं लगा है, कहें बाहर ऐसा है कोई यहाँ गिट्टा पत्थरा लड़के मार देंगे, फूट जाएगा। अंदर है तो बाहर ही है, कोई घर में तो लगाए नहीं है, थोड़ा बाउंड्री के अंदर है और बाहर ही है, घर से बाहर है, तो कहीं नहीं इसको बाहर निकलवाइए। समझो हम कहा ठीक है सर, ऐसा है बाहर निकलवा देंगे तो यहाँ दिक्कत हो जाएगी, कोई लड़का है ईंट पत्थर मार देगा, फूट जाएगा। वो बाहर ही है, बाउंड्री के अंदर है तो बाहर ही है, घर से बाहर है। तो वो चले गए, फिर आगे जा करके वहाँ गाली फक्कर दे रहे थे, बोले कि भोसड़ी वाले मादर चौथ, इनको सालों को लठ मरवाइए, ये ऐसे साले नहीं सुधरेंगे, काफी गाली। किसने कहा? जय साहब, जय साहब त्रिलोकीनाथ गौड़ बोले। अच्छा। तो हम बोले देखिए कैसा, आप मत गाली शब्द मत दीजिए, आप अशब्द मत बोलिए, कानूनी कार्रवाई से करिए, आप प्रशासन है। तो बोले आप कौन होते हैं? हम कहा एक समाज सेवक आदमी है, हमारा नाम मुरारी यादव है। उनसे सारी बातें हम बताए तो उस समय सही थे, उस फिर वो गाली देने चालू कर दिया। हम बोल दिए उसमें, कहे साले तुम्हारे ऊपर SC ST लगा देंगे हम। काफी हमारी उनकी बातचीत हुई, झपट हुआ उनसे, और काफी औरतें थी, एक घर में घुस गए थे। घर में घुसने के बाद बोले कि यहाँ वो लगता है हीटर जलाते हैं, पंप लगा है अंदर। जब गए घुस के देखे तो वहाँ कोई चीज नहीं था, उसका आदमी बॉम्बे था। इल्जाम लगा रहे थे, उसका आदमी नहीं था, बॉम्बे था। और यहाँ से गए, हमारी उनकी जब झपट हुई है, गाली फक्कड़ हुआ। मैं देखिए जातिगत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नहीं जानता था कौन जात के हैं वो, मैं जाति उनकी नहीं जानते थे, कौन वो जात के हैं, कौन बिरादरी के हैं, कैसे हैं, मैं जानता जाना कि हाँ जय साहब हैं आए। तो उसके बाद यहाँ से गए सीधा अपने वहाँ गए मेजा रोड, गए मेजा रोड से आए CO साहब पास, CO साहब पास आकर के जाके मांडा थाने में तहरीर दे करके हमारे खिलाफ़ मुकदमा कायम करवाए, SC ST लगवाए, तमाम धारा लगवाए। तो ये बात है कि अगर कोई बोलता है तो उसके ऊपर धाराएँ लगती हैं, और तो हम तो सोचते हैं कि हमारे ऊपर चाहे जितना धारा लगा दे, मगर मतलब आपका ये है कि वो लोग अपने मनमानी तौर से काम कर रहे हैं, काफी मनमानी तौर से काम कर रहे हैं। अगर कोई बोलता है तो उस पर वो लोग एक्शन लेने को तैयार होते हैं, एक्शन लेते हैं, SC ST लगवाते हैं, मुकदमा धारा और धारा ऊपर लगवाते हैं, जेल भेजने की तैयारी करते हैं। आपके ऊपर उन्होंने धारा लगाया? धारा हमारे ऊपर 9 लगा है, SC ST के अलावा पूरा गांव गवाह है कि हम उनको कुछ नहीं कहे हैं। जातिगत हमारी उनकी कोई बात नहीं, मैं जानता नहीं था कि कौन बिरादरी के हैं वो। अब ये ट्रांसफार्मर खातिर मैं कई बार उनके पास फोन किया था, त्रिलोकीनाथ गौड़ के पास, वो बोले किसके जिम्मेदार हम नहीं है, आप किसी और को फोन करिए। किसके पास फोन करिए बताएं, किसके पास करें हम फोन? ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ आप विराम दें, आपने जो भी कहा इसकी ये जो है आवाज़ आपके ऊपर तक पहुँचा दी जाएगी। धन्यवाद।